नमस्कार दोस्तों, मिंटू लॉग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप एक ही दिन में 4 वाटरफॉल कैसे कवर कर सकते हैं। आपको चित्रकूट मार्ग में ही 4 जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जगदलपुर से निकलेंगे तो 19 किलोमीटर दूरी पर चित्रकूट मार्ग पर चित्रधारा जलप्रपात है। यहां तक पहुंचने के लिए जगदलपुर मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको पोटानार गांव मिलेगा, जहां पर आपको बाईं ओर मुड़ जाना है। यह गांव के पास बड़ा गेट बना हुआ है और यह जलप्रपात मेन रोड से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां पर 2 या 4 पहिया दोनों से पहुंच सकते हैं। यहां पर जाने के लिए सबसे अच्छा महीना है अगस्त से अक्टूबर तक। और चित्रधारा जलप्रपात के बारे में अगर और ज़्यादा डिटेल जानना चाहेंगे तो पहले और वीडियो में बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यकीनन हमारा बस्तर सुंदरता का खान है। आपको जगह जगह प्राकृतिक की छटा दिखाई देती है। हमें दूसरी वाटरफॉल जाने के लिए पुनः चित्रधारा जलप्रपात से वापस आना होगा मेन रोड में और आगे बढ़ना होगा। चित्रकूट मार्ग में चित्रकूट जलप्रपात से 3 किलोमीटर दूरी पर बोट टंगा हुआ है, जिसमें बारसूर मार्ग पकड़कर आगे बढ़ना है हमें। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के पास 2 और वाटरफॉल हैं। उसी में से एक है तामड़ा कुमड़ जलप्रपात। यह जगदलपुर शहर से 49 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्रकूट जलप्रपात से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको चित्रकूट से 3 किलोमीटर पहले पक्की मार्ग को करना है और मुड़ जाना है। और देखिए पानी फिर आगे कच्ची मार्ग पकड़कर माडुम ग्राम के पास यह झरना स्थित है। तो बारसूर मार्ग में ही सीधे आपको सबसे पहले मेंद्री घूमर जलप्रपात मिलेगा, ये रास्ते में ही है। थोड़ा से और आगे बढ़ने पर आपको तामड़ा घूमर जलप्रपात देखने को मिलेगा। यहाँ जाने के लिए कच्ची सड़क। हम लोग सबसे पहले तामड़ा घूमर गए, उसके बाद वापसी में मेंद्री घूमर। बेहतरीन नज़ारा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले जगदलपुर शहर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक सुंदर झरना है, जिसे मेंद्री घूमर के नाम से जानते हैं। इस झरने की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। मेंद्री घूमर मौसमी झरना है, इसलिए गर्मियों के मौसम में पानी काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन मानसून के यह उग्र और खूबसूरत दिखाई देती है। यह आसपास के हरे भरे जंगल प्राकृतिक वातावरण के कारण पिकनिक के साथ साथ एक शानदार पारिस्थितिक गंतव्य के लिए यह बेहतरीन स्थान है। पहाड़ी के ऊपर भाग में समतल पठार अचानक समाप्त हो जाता है, जिसे झरना नीचे हरे भरे जंगल में गिरता है और देखते ही मनोहक होता है। और हमें पुनः चित्रकूट मार्ग में वापस आना होगा, उसके बाद सीधा आगे बढ़ना है, तो आपको 3 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट जलप्रपात मिलेगा। तो कार घूमने से आपका समय की बचत हो सकती है।
तो वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इस प्रकार आप एक ही दिन में चारों वाटरफॉल आप घूम सकते हैं। चारों वाटरफॉल का अलग अलग वीडियो और बना हुआ है जिसकी पूरी डिटेल जानकारी दिया गया है। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।